वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए पूर्व तैयारी बढ़ती जारी है और ये बिहार जी का हमारा 32वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट देने वाले जो कि आपको रेगुलर मिलता है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में किया गया था। कब किया गया था, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था आत्मीय सभा की स्थापना। बात करें राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में किसकी स्थापना की गई थी, तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आइए देखिए किन लोगों ने सही दिया है। नगेंद्र कुमार जी ने सही आंसर दिया कि 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा। सुरेंद्र कुमार जी ने सही आंसर दिया है। एकता कुमारी जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा देखें तो प्रदीप चौधरी जी ने सही आंसर दिया है। KNS मैथ्स क्लासेस यहाँ से एकदम सही आंसर आया है। इसके अलावा अमित कुमार जी ने सही आंसर दिया है और इरफान अली जी ने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में डिटेल में लिखा है। दोस्तों हम आपसे भी कहते हैं कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल में आंसर जरूर दें, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आपको हमेशा एग्जाम में याद रहता है। तो आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय कौन थे, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस देश में काफ़ी फैल रहा है, तो आपको इसे सावधान रहना है क्योंकि यह संक्रमण से फैलता है। तो आप जितना भी हो सके घर से बाहर न निकलें और अपने घर के अंदर ही पढ़ाई करें। जो भी करना होगा आप अपने घर के अंदर रहकर ही करें और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए सलाह दें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। बात करिए स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। कौन थे, जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल थे। और बात करें कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी। कौन से, श्रीमती राबड़ी देवी जो थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और बात करें कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। दूसरा प्रश्न हमारा है गांधी जी ने किसे देशभूषण की उपाधि दी थी। गांधी जी ने किसे देशभूषण की उपाधि दी थी, तो मौलाना मजरहुल हक, यानी कि मौलाना जो मजरहुल हक थे गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि दी थी। अब दोस्तों बात आई है उपाधि की, तो कुछ हम महत्वपूर्ण उपाधियाँ देख लेते हैं। बात करें कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, पहला तो हम ये देखते हैं। तो महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह के लोगों ने, यानी कि चंपारण के लोगों ने ही 1917 में गांधी जी को बापू कहकर पुकारा था। और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। इसके अलावा बात करें कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इसके अलावा बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के लोगों ने दिया था, उसके बाद ही इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगला प्रश्न है दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वह अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रेणुका, जिसके बाद से इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो हमारे देश भारत में जो सर्व शिक्षा अभियान है वह 2001 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जो है शुरू किया गया था। इसका टैगलाइन क्या था, इसका टैगलाइन था सब पढ़ें सब बढ़ें। ये भी याद रखना है, सब पढ़ें सब बढ़ें। आपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा, किसी भी प्राइमरी स्कूल में ज़रूर लिखा होगा सब पढ़ें सब बढ़ें, यह सर्व शिक्षा अभियान की जो थी टैगलाइन थी। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज, यानी कि जिसे राजगृह भी कहते हैं, के गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को जो है अपना राजधानी बनाया था। शिशुनाग की बात करें, शिशुनाग जो था शिशुनाग वंश का संस्थापक था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था उसे कालाशोक, उसका नाम था कालाशोक या काकवर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है
अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया? अशोक के जो अभिलेख थे सर्वप्रथम किसने और कब इसका अर्थ स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, इन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 1837 में किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है बिहार में? जो प्रसिद्ध सूर्य कुंड है बिहार में, बिहार के राजगीर में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के राजगीर में प्रसिद्ध सूर्य कुंड जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जो जन्म है 23 सितंबर 1941 को लोहटी गांव बिहार के गोपालगंज में हुआ था। लोहटी गांव बिहार के गोपालगंज में हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के राज्यारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था? यानी कि अशोक के राज्यारोहण होने के बाद कब सुदामा किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था? तो अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद जो है सुदामा गुफा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जो सुदामा गुफा है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे नगरोध यानी कि नगरोध गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूत्रपिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो सूत्रपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है और यह एक बौद्ध भिक्षु आनंद के द्वारा जो है वो संकलित किया गया था। दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक इसमें कौन कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सूत्रपिटक और तीसरा क्या है? तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये 3 प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है? तो अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को रुहेया कहा है। अब बात आई पाल वंश की, तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। तो आपको गोपाल का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स जो कि ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, इन्होंने सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। आचार्य चाणक्य इनके गुरु थे और इनके प्रधानमंत्री भी बने। और चाणक्य की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य द्वारा लिखा गया है, जो कि एक राजनीति शास्त्र की बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य करने के लिए चाणक्य ने जो है बातें बताई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सैयद अहमद बरेलवी का जन्म 1976 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था? तो 1821 में सैयद अहमद बरेलवी ने जो है पटना का दौरा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है? तो जो सेंट जोसेफ चर्च है वो बांकीपुर पटना में स्थित है। इसके अलावा पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में ही हुआ था, इसलिए पटना सिखों का भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न हमारा है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो सेन वंश है इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। तो बस आपको ये वंश का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था? तो जो दशमलव प्रणाली है इसका आविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने किया था। और बात करें कि आर्यभट्ट किस राजवंशकालीन थे, तो यह गुप्त काल के एक प्रमुख गणितज्ञ और खगोलविद थे आर्यभट्ट, जिन्होंने दशमलव प्रणाली का भारत में आविष्कार किया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सेल्यूकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था? तो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। बात करें सेल्यूकस कौन था, तो जो सेल्यूकस था वो था सिकंदर का सेनापति था। देखिए सिकंदर के 2 सेनापति थे, आपको नाम याद रखना है। एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था सेल्यूकस, और दूसरा नाम था निर्याकस जो कि जल सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री ही हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा था। उस राजदूत का नाम क्या था, तो उसने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि तत्कालीन मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आज का प्रश्न आपको याद रखना है कि जो हमने प्रश्न पूछा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित पहले भारतीय का नाम क्या है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।